आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इफ यू आर गोइंग टू ऋषिकेश, आपको एक लग्जरी अगर आपको स्टे करना है, लग्जरी आपको ट्रैवल करना है तो कैसे, क्या क्या ऑप्शंस है, और आपको बजट में ट्रैवल करना है तो कैसे ऑप्शंस है। सो हेलो, नमस्ते एंड वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है हिमानी और आ गई एक नए वीडियो के साथ। और आप लोगों के कमेंट्स से ही मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे ये वीडियो करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों की इतनी सारी क्वेरीज थी कमेंट सेक्शन में जब मैंने ऋषिकेश के जितने भी व्लॉग्स डाले, उन सारे व्लॉग्स के नीचे अभी तक मुझे मैसेजेस आते हैं, डीएम आते हैं। तो मैंने सोचा कि आप लोगों की क्वेरी को थोड़ा सा दूर करते हैं और मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि इफ यू आर गोइंग टू ऋषिकेश, और ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के बारे में हमेशा मैं आपको बताते रहूंगी। सो आपको अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगे और पसंद आए तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड कमेंट करके जरूर बताना। सो यस, क्विकली इस वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। सो बजट ट्रेवल में सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की। नाउ ट्रांसपोर्टेशन के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप किसी भी पार्ट से आ रहे हो इंडिया के, मेक श्योर टू ट्रेवल बाय ट्रेन। यस, क्योंकि आपको चीप ऑप्शन पड़ता है। अगर आप बहुत ज़्यादा साउथ, एक्सट्रीम साउथ में रहते हो, तब तो आपको फ्लाइट लेनी पड़ेगी। मे बी आप इतना लंबा ना ट्रेवल करना चाहे, दैट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। सो दिल्ली आने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं ट्रेन्स के। सो आपको हरिद्वार में उतरना पड़ेगा, पर हरिद्वार से जो ऋषिकेश की जर्नी है वो काफ़ी पास ही है, आधे घंटे में आप पहुंच जाते हो। एंड देर आर अलॉट ऑफ ऑप्शन, चीप ऑप्शन, जैसे कि बस चलती है या फिर टुक टुक चलता है, और आप प्राइवेट टैक्सी भी कर सकते हो, शेयरिंग टैक्सी भी कर सकते हो, वॉट एवर यू वॉन्ट। Another option is bus. Bus बहुत सही option है, मुझे लगता है आप cheap 50-60 रुपए टिकट में आप पहुंच जाओगे ऋषिकेश। और अगर आप टैक्सी लेते हो तो शेयरिंग कैब आपको लगेगी आई थिंक 300-400 के बीच में, अगर आपकी कैब में तीन लोग जा रहे हैं तो। टुक टुक से जाते हो तो उसका रेट मेरे ख्याल से समवेयर अराउंड 100-120 ऐसा कुछ लेते हैं पर पर्सन। सो या इस तरीके से जो है रेट्स है हरिद्वार से ऋषिकेश जाने के। नाउ अब आप ऋषिकेश पहुंच गए तो अकोमोडेशन की बात करते हैं। सो वहां पर बहुत सारे एंड नंबर्स ऑफ हॉस्टल्स हैं। अब मैं आपको कुछ के नाम बताऊं तो यहां पर मैं दिखा भी दूंगी आपको, जैसे ही आप गूगल पे सर्च करोगे हॉस्टल्स इन ऋषिकेश तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, जैसे कि हॉस्टलर है, जॉस्टल है, जॉस्टल के दो हॉस्टल है वहां पर, एंड गो स्टेज है, एंड ऐसे बहुत सारे, यार नाम मुझे ऐसे याद नहीं आएंगे, बट देर आर अलॉट ऑफ हॉस्टल्स जो कि आपको समवेयर अराउंड 400-600 के बीच में पर नाइट आपको स्टे मिल जाता है। और वहां पर इनहाउस कैफेज भी होता है, आप खुद भी कुक कर सकते हो अगर आपको कुछ कुक करने का मन है खुद के लिए। अदरवाइज ऋषिकेश में इतने सारे स्ट्रीट फूड के ऑप्शन तो है ही, और साथ ही साथ बहुत सारे कैफेज है जो कि रीजनेबल रेट में आप आराम से वहां पर लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट कर सकते हो। दैट्स अमेजिंग। सो बात हो गई ट्रांसपोर्टेशन की, अकोमोडेशन की, एंड आपके फूड एंड बेवरेजेस जो भी है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना स्पेंड करना चाहते हो। अब उसके बाद अगर आपके घूमने को, आपको अगर कहीं ऋषिकेश से थोड़ा आगे जाना है तो आई वुड सजेस्ट बजट ट्रैवल में आप वहां पर स्कूटी रेंटल में हायर कर लो, जो कि एक बहुत ही सस्ता और बजट फ्रेंडली ऑप्शन है। आप अगर स्कूटी ड्राइव कर सकते हो तो, और आप अगर दो लोग हो तो आपको वो बहुत सस्ता भी पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने पता किया था, मैंने स्कूटी रेंटल नहीं लिया था बिकॉज मैं वहां पर पैदल ही घूम रही थी हर जगह। सो अगर आपको ऋषिकेश से थोड़ा आगे जाना है, जैसे कि कुछ वाटरफॉल्स हैं, और थोड़ा आपको आगे, मतलब आपको अगर हरिद्वार घूमने जाना है, आप ऋषिकेश में एक हफ्ते के लिए स्टे कर रहे हो, तो आप ले लो स्कूटी रेंटल पे और मस्त घूमते रहो आसपास। 500-400 समथिंग अराउंड उसके आपको मिल जाती है वहां पर। तो सो ये तो हो गई आपकी बजट ट्रैवलिंग की बात। अब बात करते हैं लग्जरी ट्रैवल की। तो लग्जरी में मैं आपको ट्रांसपोर्टेशन के बारे में नहीं बताऊंगी बिकॉज आप, यू डोंट केयर ना कि आपको कितना पैसा लग रहा है। इधर यू विल कम बाय फ्लाइट, तो फ्लाइट आपको सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट है देहरादून एयरपोर्ट, सो आप वहां पर वहां तक की फ्लाइट ले सकते हो। इधर यू कैन ड्राइव ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली और वॉट एवर द प्लेस यू आर कमिंग फ्रॉम, तो आप वहां से ड्राइव, आपको रोड ट्रिप करनी है तो कंप्लीटली योर चॉइस। आप टैक्सी ले सकते हो डायरेक्टली दिल्ली से, अगर आप दिल्ली से नहीं हो, आप कहीं दूर से आ रहे हो तो आप टैक्सी हायर कर सकते हो दिल्ली पहुंचने के बाद, यहां से दिल्ली से ऋषिकेश तक की। सो इस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन कंप्लीटली योर चॉइस एंड यू कैन प्ले अराउंड अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट और अकॉर्डिंग टू योर कम्फर्ट। अब बात करते हैं अकोमोडेशन की। तो देर आर अ लॉट ऑफ स्टार प्रॉपर्टीज इन ऋषिकेश पर्टिकुलरली, या बहुत सारी है। वहां पर रोजियट की प्रॉपर्टी है विच इज वेरी ब्यूटिफुल, रोजियट गैंजेस, एंड मुझे पसंद है, काफ़ी पसंद है वो प्रॉपर्टी। और सेकेंड अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर लेमन ट्री है, अलोहा है, देर इज़ अ प्रॉपर्टी कॉल अटाली गंगा। सो इस तरीके से बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जो कि लग्जरी प्रॉपर्टीज़ है इन ऋषिकेश, जो कि समवेयर अराउंड 5,000 से 6,000, 7,000 अकॉर्डिंग टू
टू योर टेस्ट। और उसके बाद घूमने फिरने के लिए तो डेफिनेटली आप लग्जरी ट्रैवल कर रहे हो तो आप टैक्सी ले सकते हो, वहां पर प्राइवेट हायर कर सकते हो टैक्सी जो कि दिन भर आपको घुमाएगी। बट एट द सेम टाइम आपको अपने पैर जमीन पर रखने ही पड़ेंगे क्योंकि ऋषिकेश इज अ होली प्लेस और वहाँ पर काफ़ी छोटी छोटी गलियाँ हैं मंदिर जाने के लिए, शॉपिंग करने के लिए, मार्केट जाने के लिए और घाट तक जाने के लिए, गंगा आरती के लिए आपको बहुत सारी जगह पैदल चलना ही पड़ेगा। तो मेक श्योर एंड कीप इट दैट इन माइंड। और इस तरीके से आप ऋषिकेश में, मैंने आपको जैसे ब्रेक डाउन करके बता दिया बजट ट्रैवल आप कैसे कर सकते हो और लग्जरी ट्रैवल के लिए क्या ऑप्शंस है। इफ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा Do let me know in the comment section below so that कि मैं इस तरीके से different destinations के वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगी और आप कहीं जा रहे हैं तो आपको आपके दोस्तों को हेल्प जरूर होगी। और आप चाहते हो कि ये किसी को शेयर करना तो डू दैट विदाउट माई परमिशन, आप शेयर कर सकते हो इस वीडियो को। सो शेयर एज मच एज यू कैन एंड या विल सी यू विद अनदर वीडियो। और मैं एक दूसरी ट्रिप के लिए जा रही हूँ इस हफ्ते, सो या आप उसके लिए सारी स्टोरी लाइव अपडेट देखने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां पर भी फॉलो करो यार, कनेक्शन बना रहना चाहिए, यू नो। यस, सो विद दैट नोट विल सी यू विद अनदर वीडियो। टिल देन टाटा बाय बाय, नमस्ते। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, यूं ही खुशनुमा जिंदगी बिताते रहिए। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड या टाटा बाय बाय।